पहली बात हम कर रहे थे वेन डायग्राम। वेन डायग्राम मैंने बताया कि वेन जो है वो इंग्लिश मैथमेटिशियन का नाम है और इन्हीं सेट्स को उसने डायग्राम्स के जरिए से इलस्ट्रेट किया था। अब हमने जो ये रेक्टेंगल जो होता है ये यूनिवर्सल सेट को शो करता है और उसके अंदर आपने सर्कल्स बनाते हैं या ओवल्स की शेप में होता है, ठीक हो गया। अब एक क्वेश्चन 9 है बेटा, इसी रेफरेंस से ये दो आपको सेट्स दिए हुए हैं। अब देखिएगा उसने कहा कि ड्रा वेन डायग्राम। अब ड्रा वेन डायग्राम यहाँ पे यूनिवर्सल का सेट नहीं है इसलिए यहाँ पे रेक्टेंगल बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ आपके पास आ रही है कि देखें ये दो सेट्स हम लिख रहे हैं यहाँ पे, यूँ बता रहा हूँ मैं, एक ए और एक आपके पास बेटा बी है। सबसे पहले देखेंगे ए और बी में जहाँ पे दोनों के सेम आ रहे हैं कौन कौन से एलिमेंट सेम आ रहे हैं। जीरो आ रहा है बेटा, वन आ रहा है, टू आ रहा है और थ्री आ रहा है। उसके बाद देखिए ए में आपके पास कौन कौन से एलिमेंट बच रहे हैं। ए के एलिमेंट कौन कौन से आ रहे हैं, माइनस वन है और माइनस टू है। जो बी के एलिमेंट्स हैं बी में देखिएगा कोई भी एलिमेंट नहीं है, क्लियर की बात है। अब इसी सेट को आप इस तरह भी बना सकते हैं, ये दोनों तरीके हो सकते हैं। एक ये तरीका है, दूसरा आप देख रहे हैं कि बी के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे ए के एलिमेंट्स में कंटेन कर रहे हैं। इसको एक कॉन्सेप्ट यू भी बना सकते हैं आप, एक आप बड़ा जो सर्कल है उसको आप ए का नाम दे रहे हैं और जो इनर सर्कल है उसको बी का नाम दे रहे हैं, ठीक हो गया। आप देखिए जो बी के एलिमेंट्स हैं पहले वो लिख लेते हैं, जो स्मॉलर एलिमेंट्स हैं वो कौन कौन से एलिमेंट आ रहे हैं, जीरो वन टू जीरो वन टू और थ्री। अब बी के सारे एलिमेंट्स ए में कंटेन कर रहे हैं, ए के जो बाकी एलिमेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं, माइनस टू है, माइनस वन, क्लियर की बात। ये जो वेन डायग्राम के जरिए ये दोनों आपके पास दोनों ही ये शेप जो है या आप बना सकते हैं डायग्राम से। अब इसका जो सेकेंड पार्ट है वो इम्पोर्टेंट है, तो क्वेश्चन पूछ रहा है इफ इज बी अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, तो आपको देखिए ये जो चीज़ है ये ज़्यादा क्लियर बता रही है कि बी के सारे एलिमेंट्स जो है वो ए में कंटेन कर रहे हैं, ए में मौजूद हैं। तो आप याद रखेंगे यस बी इज प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, और इसको हम बोल सकते हैं कि बी इज सबसेट ऑफ ए। इसकी प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट के लिए मैंने पहले से एक वीडियो बनाई हुई थी, उसको भी आप वहां से उसको देख सकते हैं। थैंक यू। अब सब्सक्राइब टू, देखिए इसमें की जो होती है जब आगे जाके पढ़ेंगे नॉर्मली, जब आपके पास दो सेट्स होते हैं, दो सेट्स होते हैं उनको जब वेन डायग्राम बनाते हैं वो तीन किस्म की उसकी शेप बन सकती है। एक ये हो सकती है कि वो यूं हो सकते हैं, इस तरह ये ए है ये बी है। दूसरा आपके पास यूं बन सकते हैं, मैं भी इसको बाद में नाम बताता हूँ। और जो तीसरी कंडीशन है जहाँ पे दो सेट्स हैं वो यूं भी हो सकते हैं, लटका कर ये ए है यहाँ पे बी है, इसको बेटर कहते हैं डिस जॉइंट सेट। क्या नाम देते हैं जी, डिस जॉइंट सेट, मतलब डिस जॉइंट मतलब जिनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो तो उसको आप डिस जॉइंट अंदाज से बना सकते हैं। रेक्टेंगल जो है वो यूनिवर्सल को शो करता है, अगर यहाँ पे यूनिवर्सल की बात ना हो तो आप नाम भी बना, इसे कहते हैं ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है, जिसमें कुछ एलिमेंट कॉमन हो और कुछ एलिमेंट कॉमन ना हो, लाइक दिस वन। दूसरा यह पता है ये सबसेट का कॉन्सेप्ट होता है, सबसेट में हम क्या यूज करते हैं कि अगर एक सेट आपका स्मॉलर है और जो दूसरा सेट है इसको आप सबसेट कहते हैं और दूसरे को हम सुपर सेट भी कहते हैं। सुपर सेट है बेटा, और जो अंदर वाला सेट है इसको आप सबसेट कहते हैं। जब भी आपके पास दो सेट डिस्कशन करेंगे वेन डायग्राम बनाने के लिए ये तीन कंडीशन उसमें अप्लाई हुआ करती है, ये तीन कंडीशन से डायग्राम आपकी बन सकती है। ओके जी।